देखिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंसर्न रहती है कि उधर के प्रेमिसेस में सारा कुछ ठीक से चलता रहे, और वो टाइम टू टाइम जांच भी करते हैं एथलीट्स के कमरों वगैरह में कि कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है। और इसी कड़ी में आपके से नाडा ने भी साथ में कोलैबोरेट किया था, साई के जो सर्च थे तो उसमें जो जो पदार्थ मिले थे वो सीज़ किए गए थे कि उनको टेस्ट करवा लें, क्योंकि सप्लीमेंट्स वगैरह लोग लेते रहते हैं, कोई जेन्युइन बीमार होता है, कोई दवाई ले रहा है, कोई कोई कुछ लेता है, तो अब कईयों पे लेबल नहीं होता तो पता नहीं चलता, तो इसलिए सबको सीज़ के करके तो उनको टेस्ट करवाया गया था। तो मुझे खुशी है ज़्यादातर जो हैं वो डोप फ्री पाए गए, जो सप्लीमेंट्स ले रहे थे खिलाड़ी और जो दवाइयाँ वगैरह ले रहे थे वो ज़्यादातर डोप फ्री पाए गए। सिर्फ एक कमरे में एक इंजेक्शन ऐसा था जो कि जिसमें मेल्डोनियम जो बैंड सब्सटेंस है तो वो पाया गया उसका इंजेक्शन, और उस पर भी मार्किंग जो थी वो विदेश की थी, उसमें हिंदी या इंग्लिश में नहीं मार्किंग थी, उसमें किसी फॉरेन लैंग्वेज में थी जो कि समझ में भी नहीं आ रही थी कि ये है क्या। जब रिपोर्ट आ गई, लैब से रिपोर्ट आ गई कि ये मेल्डोनियम है तो जो कि बैंड सब्सटेंस है, तो जो नाडा के रूल्स हैं उसके तहत कार्रवाई की जा रही है और उस एथलीट को सस्पेंड कर दिया गया है।